जानबूझ के म्यूट किया था क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो में क्या है? वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। आप लोग हेल्दी हैप्पी फिट एंड फाइन होंगे और अगर नहीं है तो डोंट वरी, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर। आज की वीडियो में हमारा वर्कआउट नहीं है अभी, आज की वीडियो में हमारा या तो ब्लॉग होगा या हेल्दी रेसिपी होगी, जो कि आपको मेरे पुराने वीडियोस देख के पता चल गया होगा। तो आज मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, बाहर जा रहे हैं, पर वो जल्दी ही मैं लेके आऊंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए हेल्दी रेसिपी। तो जो हमारी रेसिपीज होंगी उसमें आप इस तरह से ड्रेस रखोगे भी बना सकते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी और ना ही ऐसी होगी कि आपको पूरा का पूरा थकान हो जाए बनाते बनाते और आप थक जाए बनाते बनाते। तो आपको अगर कहीं बाहर जाए तो पहले रेडी हो जाइए और इस तरह की कुकिंग स्टाइल आप अपना सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। सर्दी आजकल बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे तो बहुत फॉग एंड ठंड हो चुकी है, तो मन करता है कुछ अच्छा अच्छा खाए, कुछ गर्म गर्म खाए और खासकर जंक फूड खाए। फिर हम लोग डिसाइड कर चुके 2021 से नो टू जंक फूड, और वैसे बर्ड फ्लू अलर्ट हर जगह आ चुका है, तो कुछ भी आप बाहर जाके अच्छा हेल्दी कुकिंग तो खा ही नहीं सकते। तो इसका क्या सलूशन है सोचिए, खुद एफर्ट करने पड़ेंगे हेल्दी फूड बनाने के। और जैसे मैंने आपसे वादा किया, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी आपको लंबी रेसिपीज, नहीं बताऊंगी या कुछ जंक फूड खाने का। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ जंक फूड मगर वो हेल्दी स्टाइल से। मैं बाहर जाने से पहले कुछ कुछ खा के जाती हूँ, अपना कुछ पैक करके जा रही हूँ, उससे क्या हो रहा है, तो कोरोना टाइम में मैं सेफ हूँ, मेरे पैसे भी बच रहे हैं जो कि सबको अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ है, मैं जंक फूड खाने से बच जाती हूँ, क्योंकि सम टाइम हम बाहर जाते हैं ऑप्शन नहीं मिलते तो हम कुछ ऑयली कुछ जंक फूड उठा के खा लेते हैं, जिसका कि बाद में आके गिल्ट हमेशा रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को इससे बचाने के लिए एक ट्रिक अपनाई है 2021 में, कि मैं बाहर जाने से पहले घर से कुछ खा के जाऊँगी या फिर अपना कुछ पैक करके ले जाऊँगी ताकि मुझे बाहर घर से मैं सेफ रहूँ, दूसरा मेरा पैसे बचे और तीसरा मैं हेल्दी फूड खाऊँ और जंक फूड से बच जाऊँ। तो आप लोग भी इसे अपनाइएगा जरूर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये टिप्स आपके काम आया कि नहीं आया। जो बाहर जा रहा है, मुझे भूख लग रही है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे चलती हूँ मेरी हेल्दी किचन में। चलिए अपनी किचन में बर्गर बनाने के लिए। तो मैंने आपको कहा था जैसे कि मेरी किचन में आपको हेल्दी फूड ही मिलेगा, पहले से राजमा और छोले को बॉईल करके रख लिया है। इन टिक्कियों की वो हमारी राजमा और छोले की है, इनको मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिया था, और मैंने दो आलू बॉईल करके रख लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा मेरा ऑरिगैनो, मैं हर्ब्स यूज करती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, एंड मैंने पिंच ऑफ छोले मसाला रखा है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। आप चाहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मसाले यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हो गए जो कि मेरी रेसिपी को टेस्टी बनाएंगे। मेरी वेजिटेबल्स हैं कैप्सिकम, कुकुम्बर, टमाटर एंड ऑनियन, जो कि मैं बर्गर के अंदर स्टफिंग करने के लिए यूज करूंगी। आप चाहे तो आज भी बर्गर के अंदर जैसी भी स्टफिंग, बेल पेपर, रेड आप पसंद करते हैं, येलो पसंद करते हैं, जो भी आपको स्टफिंग करनी है आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यूज करूंगी घी टिक्की बनाने के लिए, मैं देसी घी यूज करती हूँ। ये है हमारी हैंडमेड बर्गर। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ाऊंगी आपको मैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आप पढ़ सकते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लावर, व्हीट होल व्हीट फ्लावर, शुगर एंड ऑल एवरीथिंग इज एडेड। पहले ये नोट पढ़ लीजिए कि ऑल द ब्रेड्स आर मेड इन द नेचुरल वे बाय हैंडक्राफ्ट एंड नो प्रिजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड। मैं जो भी चीज लेती हूँ मैं सबसे पहले देख के लेती हूँ कि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव या कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर या कुछ भी आर्टिफिशियल तो कंटेंट ऐड नहीं है, मैं वो नहीं लेती हूँ। तो ये है मेरे व्हीट बंस। छोले और राजमा लेंगे हम सबसे पहले। आप चाहो तो स्पून से मैश कर सकते हो, आप चाहो तो हैंड से मैश कर सकते हो, मैं यहाँ मैश करने के लिए चॉपर यूज करती हूँ, चॉपर के थ्रू इसको मैश कर लूंगी। मेरा मैश हो चुका है ये, मैं इसको अच्छे से बोल में निकाल दूंगी, ये मुझे ऐसे इजी लगता है। मैश बॉइल्ड आलू इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बॉइल आलू मैश करके इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे मैश कर दिया, ये मेरे बॉइल आलू मेरे हैं, बॉइल पोटैटो और राजमा और छोले का ये मेरा टिक्की का। मैं इसके अंदर ये सब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी, मैं पिंच ऑफ सॉल्ट, हमारा ये सब बैटर में मिक्स हो चुका है। अब हमको इसको बनानी है टिक्किया। पैन को गर्म होने रख दिया है, इसमें टिक्किया बनाना शुरू करूंगी। तो हमारा पैन गरम, हम इसके टिक्की बना के रख देते हैं। इसे घी डालूंगी क्योंकि मैं घी यूज करती हूँ, ये है हमारा दानेदार देसी घी। एक बात तो है देखिए, हालांकि प्रिजर्वेटिव फ्री चीज है आपकी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है,
बट ट्रस्ट मी, अगर आप उन पे पैसे लगा दोगे तो कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि वो आपको क्या है, हेल्दी रखेंगी। थोड़ा सा आप खर्चा करके आप प्रिजर्वेटिव फ्री चीजें ले सकते हैं। तो मेरा ये गर्म हो चुका है, तो मैं मेरी टिक्किया रख दूंगी। तो जब तक टिक्किया बनने लगी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो आप मुझे ये बताइए, बर्ड फ्लू अलर्ट आ गया है हर जगह, तो आपने अपनी डाइट में क्या क्या खाना शुरू कर दिया है? मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी डाइट में बर्ड फ्लू के टाइम में क्या क्या स्टार्ट किया है। ये है मशरूम, ये है बीन्स, और ये मैंने स्टार्ट किया ब्रोकली। तो इन सबके फायदे, आई थिंक आपको इन सबके फायदे आपको पता ही होंगे। जो मशरूम होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इट इज लो इन कैलोरी, ऑल्सो कंटेन विटामिन डी एंड विटामिन बी, सो हार्ट डिजीज डायबिटिक लोगों के लिए तो ये वरदान है। और ब्रोकली और साथ ही साथ आपका बीन्स, आई थिंक ये आपने प्रोटीन सोर्सेज पहले से सुने होंगे कि भाई आपका अच्छा रिच प्रोटीन किस में होता है, वो होता है हमारा ब्रोकली बीन्स के अंदर, कैलोरी होता है, प्लस इसके साथ आपको फाइबर्स भी मिलता है। तो अपनी डाइट में इनको जरूर शामिल करें। इनका आप चाहे तो सैलेड खा सकते हैं, ब्रोकली का और बीन्स का अच्छा सा सैलेड, टमाटो ब्रोकली कैरेट, और आप चाहो तो बीन्स और उसमें बहुत सारे मशरूम्स डाल के अपना अच्छा सा सैलेड बना सकते हैं, या फिर इन मशरूम का आप सूप जरूर ट्राई करना। रेसिपी चाहिए? बिल्कुल, अभी जल्दी से लेके आने वाली हूँ इनकी रेसिपीज भी। बस सब्सक्राइब करके रखिए हमारा चैनल आप लोग, और बीच बीच में रेसिपीज आती जाती रहेगी। आप इनको आप चाहो तो थोड़ा सा सूजी भी लगा सकते थे ताकि ये अच्छा क्रिस्पी हो जाती, पर मुझे ऐसी पसंद है तो मैं मेरी ऐसी बना। सो आप इनको अच्छे से, जितना आपको गोल्डन ब्राउन करना है उतना करिए, और धुएंदार टिक्किया तैयार है। शक्ल में मत जाइए, टेस्ट बहुत अच्छी है। शक्ल में थोड़ी सी इनकी शेप ऐसी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, आप कितने परफेक्ट कुक है वो उस पर डिपेंड करता है। बर्गर की बारी, ये कब से वेट कर रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से सर्कुलर शेप में कट कर लूंगी। ये हमारा बर्गर रेडी है। घी और डालेंगे, देसी घी, और अच्छे से पूरी जगह स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो बटर यूज कर सकते हो, हल्का सा दोनों साइड से रोल करूंगी क्योंकि मुझे ये ऐसे पसंद आता है। तो हम फटाफट से कट कर लेते हैं। सब वेजिटेबल्स कट करके रख लिए। आप चाहो तो येलो, रेड बेल पेपर, लेट्यूस अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो पालक को बॉईल करके उसके पत्ते भी यूज कर सकते हो। आई मीन आपका जैसा टेस्ट है, आप अपना सैंडविच के अंदर वैसी स्टफिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बर्गर के अंदर स्टफिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें केचप ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो अपने आप जो भी आप मस्टर्ड, आप केचप खाना पसंद, या मेयोनीज, या जो भी आप यूज करते हो, मैं अवॉइड करती हूँ इन सबको। तो अगर आपकी मस्टर्ड केचप, आपको चिली केचप, जिस तरह का केचप पसंद है, आप चाहो तो उसमें ये ऐड कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मेरा स्प्रेड कर लिया है केचप, मोस्टली लिखा हुआ ये 100% नेचुरल है। तो अब सबसे पहले मैं मेरी कुकुम्बर रख देती हूँ, वन टमाटो, थोड़े से अनियंस, एंड थोड़ा सा मैं बेल पेपर से डेकोरेट कर देती हूँ। सो अब मैं इसके ऊपर मेरी एक प्रोटीन टिक्की रखने वाली हूँ। प्रेस कर दीजिए हल्का हल्का हाथ से इसको, हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दीजिए। और फिर मैं इसके ऊपर फिर से मेरी वेजिटेबल्स डालूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बर्गर को फुल हेल्दी एंड फाइबर वाला बनाती हूँ। तो मैं फिर से इसके अंदर खूब सारा वेजिटेबल्स डालूंगी। दिस इज ऑलमोस्ट डन, और मैं इसके ऊपर मेरा बर्गर रख के इसको प्रेस कर दूंगी। सो देखिए हमारा बर्गर है रेडी। मैं इसको पहले दो पीस में कट कर देती हूँ। बर्गर है रेडी, वो कितना स्माइल कर रहा है कि वाओ, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो हेल्दी। तो इस बर्गर को भी गिल्ट नहीं है एटलीस्ट कि भाई मेरे अंदर बहुत ही बेकार स्टफिंग की गई है। इसमें फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन, हमारा वीट सीड्स वाला बर्गर वो रेडी है। तो मैं अब आपको खा के बताती हूँ कैसा बना है। तो मेरा बर्गर रेडी है, आप चाहो तो आपको भी मैं बता सकती हूँ खा के ये कैसा बना है। सो इसी तरीके से हेल्दी रेसिपीज मैं आपको चैनल पे बताती रहूंगी। रेसिपीज देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बर्गर खाना है तो उठिए, जरा सी मेहनत कीजिए, किचन में जाइए, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है नहीं ये, फटाफट जाइए और बनाइए। आप चाहे तो कहीं घूमने जा रहे तो पैक करके भी अपने साथ ले जाइए। बाय एवरीवन, स्टे फिट, हेल्दी, कीप डूइंग वर्कआउट्स एंड ईट हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। आई जस्ट बिलीव इन लिविंग लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। सो मेरे को फूड बहुत पसंद है क्योंकि फूड तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइबर्स एंड स्टे ट्यून्ड.